प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय हम पिता आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो भी आपके बेटे आपकी बेटियां प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और आपसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए और रात भर पिता आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम दुआ और विनती और प्रार्थना और निवेदन ही करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मेरे युवा भाई बहन है, आज जो मेरे यंग मसीह भाई बहन है, आज वो परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएं, प्यार लाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा। और जो मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए खुदावंद आपको आशीष देने वाला है, वो आपके बरकतों संभालने वाला है। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या हम अपनी समस्याओं से दब जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा हर प्रकार के बोझ से। क्या आज हमारे सिर पे कोई बोझ लदा हुआ है? मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं आज हमारे पास कोई बोझ नहीं है। बहुत सारा बोझ है मेरे प्रियो, आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आपके जीवन में कितनी बड़ी चिंता है, ये आपके ऊपर बोझ है। आपके बच्चे किस हालात में है, कैसी पढ़ाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, समाज में कैसे रहेंगे, उनके जीवन का क्या होगा, उनके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इतना सारा बोझ आपके जीवन में है, आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं, भले ही हमारे शारीरिक बोझ ना हो, लेकिन मानसिक बोझ है मेरे प्यों। और जो मानसिक बोझ होता है, एक बार शारीरिक बोझ को हम तुरंत फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं अपने शरीर से, अपने हाथों से उठा करके, लेकिन आप मानसिक बोझ कहां ले जाएंगे? आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कहां ले जा करके फेंकेंगे? उसको कहां फेंकेंगे मेरे प्यों? वो बोझ है, वो सबसे बड़ा बोझ आपके जीवन में है मेरे प्यों। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? इस शाम के वक्त और रात्रि के समय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा, आज उन्हें संभालेगा, आज उनकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्यों, आज हमें समझना है, आज हमारे पास बच्चे नहीं है तब भी हमारे पास चिंताएं हैं, यदि बच्चे हैं भी, और परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि बच्चे आपके पास हैं तब भी आपको प्रॉब्लम्स है, नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम्स है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे बोझों से दब चुके हैं। कभी आप भी एक बच्चे हुआ करते थे, आपके पास किसी भी प्रकार का बोझ नहीं था, लेकिन आज आप भी एक माँ बाप हैं, माता पिता बन चुके हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारे काम हैं कि जिन्हें आपके ऊपर डाला गया है। वो जिम्मेदारी खुद आ जाती है संसार की कि आपको अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे समझाना है, समाज में कैसे रखना अपने बेटियों को बचा करके, क्योंकि आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने बेटी को भेजते हैं कॉलेज स्कूल पढ़ने के लिए, तो आपका मन घबराता होगा, आपको डर लगता होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उन्हें मजबूत करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप जब मजबूत करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास हर पल हर समय हर घड़ी रहेंगे। आप कभी भी नहीं डरेंगे कि आज मेरी बेटी स्कूल गई है या फिर कॉलेज गई है या मेरी बच्ची गई है पढ़ने, तो आप कभी भी नहीं डरेंगे मेरे प्यों, क्योंकि आज हम सच्चे खुदा परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते। इसीलिए मेरे प्यों, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल है मेरे प्यों, इसीलिए आप पढ़िएगा लूका पुस्तक अध्याय 9। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एकदम साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यों, आज हमें क्या उठाना है? आज हमें क्रूस उठाना है। क्रूस का मतलब वो सलीब नहीं, सलीब नहीं मेरे प्यों, आज परमेश्वर का वचन है मेरे प्यों। आज हमें इसे उठाना है और इसे लेकर के चलना है, कहीं जाना नहीं है आपको, चलना है अपने मन में लेकर के, अपने बच्चों को देना है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे, किसी और कहने से नहीं मेरे प्यों। यदि आज आपके बच्चे सुन रहे हैं, आज आपके बेटे सुन रहे हैं, आज आपके परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप से इनकार करो, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। यदि आज आपके पास बेटे और बेटियां हैं तो कल वो भी, उनके भी पास बेटे और बेटियां होंगे, उनके पास भी परिवार होगा, उनके पास भी समस्याएं होंगी। ये प्राकृतिक नियम है मेरे प्यों। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, किसी के कहने से नहीं। यदि किसी के कहने से कोई आ भी जाता है तो वो व्यक्ति जो आ जाता है उसे अपने आप से इनकार कर देना चाहिए कि मैं आज से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखूंगा, प्यार करूंगा और उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करूंगा, तो खुदा आपको संभालेगा, वो आपके परिवार को संभालेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्यों। इसीलिए आज से ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। यदि जिस दिन अपने हृदय से, अपने मन से और अपने सच्चे मन से जिस दिन प्रभु को आप ग्रहण करेंगे, उस दिन खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं, जो डर है और भय है कि मेरी बच्ची, मेरा लड़का गलत काम ना करे, कोई गलत काम ना करे, किसके लिए आप करते हैं? आप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस लिए? कि वो आगे चल करके गलत काम करे? नहीं मेरे प्यों, हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन को बेहतर करना है, मजबूत करना है, तो हमें हर एक चीज से मजबूत होना, हमें हमारी नीतियां हमें मजबूत करेंगी। इसीलिए परमेश्वर ने नीति वचन पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम परमेश्वर की बातों को सुनो, उसकी बातों को अनदेखा ना करो। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे पास खून है, आज तुम्हारे पास ताकत है, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हो, नहीं उसे समझ पा रहे हो। लेकिन कल जब तुम बूढ़े होगे, जब तुम्हारा खून ठंडा होगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। हालेलुया। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज लाखों लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग कोई गिनती नहीं है कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज आप भी परमेश्वर से प्रेम रखिएगा, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें आज्ञा दी है उसका पालन करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत काम नहीं हो सकते, हमसे इंसान है, गलत काम भी होंगे, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां भी होंगी, कभी कभी इंसान जानबूझकर भी गलती करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं। यदि एक माता पिता होते हैं, यदि उसके बच्चे गलत काम कर देते हैं, तो क्या उसके माता पिता उसे काट डालते हैं? क्या उसे घर से भगा देते हैं? नहीं, थोड़ा सा डांट करके, मार करके उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं, उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, उसी तरीके हमारा सृष्टि का मालिक है, उसी तरीके हमारा यीशु मसीह है। आज जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्यों। संसार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदा आपके परिवार को, आपके घर को इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा, इतना संभालेगा, कि आपने कभी ये सोचा नहीं होगा क्या परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है। बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको विश्वास और धैर्य रखना है। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे?
यहाँ पे परमेश्वर किसी के प्राण लेने की बात नहीं करता है मेरे प्रियो, ना ही देने की बात करता है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, मतलब कह दे कि नहीं आज मैं आजाद हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेफ हूं, नहीं मेरे प्रियो, ये आपने आप में घमंड है। उस घमंड को छोड़ करके उस परमेश्वर के सामने घुटने को टेकिए जिसने आपको श्वासें दी है। एक कल्पना करके सोचिए यदि एक सेकंड के लिए आपकी श्वासें रोक दे परमेश्वर, तो क्या हाल होगा आपका? आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा तो उसे पाएगा, उसे मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके और अपना ही प्राण खो दे तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या अर्थ है। आपने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं की कहानियों को सुना, इतिहास को पढ़ा, दुनिया को जीतने वाले आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्राण को, सारा संसार ही जीत लिया तो क्या हुआ, अपने प्राण को खो दिया अंतिम में आकर के, क्या मिला आपको? कुछ नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, संसार में हमारा कुछ नहीं है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्या लेकर आए थे? एक वस्त्र भी लेकर नहीं आए थे मेरे प्रियो, ये शरीर भी यहीं की है, केवल आत्मा परमेश्वर का है जो फिर वापस लौट जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, आज हमें नहीं घबराना है कि आज हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा देना चाहिए आपको, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा जिसके पास शिक्षा होगी उसके पास सब कुछ होगा, उसके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हमारे कलीसिया से आप जुड़ते हैं, खुदा आपके जीवन में आपके घर में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पुत्र हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जे यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहने हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुँह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर इस मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वास दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल,
निकल जा यीशु मसीह के नाम से, पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से, जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से, दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से, डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है। वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।